पोकेमॉन पूरी दुनिया में इस समय ट्रेंड कर रहा है, यहाँ तक कि गूगल सर्च में इसने फोन को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन इंडिया में ये गेम अवेलेबल नहीं है, इसके बावजूद आप इस गेम को खेल सकते हैं। मैं राहुल सजान हिंदी गिजबॉट में आज लाया हूँ यही वीडियो। तो चलिए देखते हैं पोकेमॉन को कैसे अपने फोन में इंस्टॉल करके खेला जा सकता है। सो पोकेमॉन गो को डाउनलोड करने के लिए अगर आप देखेंगे गूगल पे सर्च करेंगे, गूगल के प्ले स्टोर में अगर आप सर्च करेंगे, आपको ये गेम नहीं मिलेगा। जैसे मैं यहाँ सर्च कर रहा हूँ, ये गेम नहीं आ रहा है क्योंकि इंडिया में ये गेम अभी अवेलेबल नहीं है। दूसरे देशों में ये अभी अवेलेबल है, यहाँ तक कि अगर आप इसकी साइट में भी जाके इसको सर्च करते हैं तब भी ये आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर यहाँ पे आप जाके पोकेमॉन गो, जैसे ये इसकी मेन वेबसाइट है इस गेम की, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ऐप स्टोर का लिंक दिया गया है। हाँ, अगर आपके पास आईफोन है तो आप इस गेम को ज़रूर खेल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एप्पल के ऐप स्टोर में ये आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए कंट्री भी दिख रही है साइट में, कौन कौन सी कंट्री में गेम अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए गूगल प्ले स्टोर का लिंक दिया गया है, अगर आप इसमें क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये प्ले स्टोर पे जाएगा, लेकिन यहाँ पे लिखा आ जाएगा आपके इसमें दिस आइटम इज़ नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री, यानी यहाँ पे ये गेम अवेलेबल नहीं है, तो आप इसे प्ले स्टोर से नहीं इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका और है इस गेम को खेलने के लिए, अगर आप खेलना चाहते हैं, इस गेम की APK फाइल है, उसको इंस्टॉल करके आप अपने फ़ोन में ये गेम खेल सकते हैं। अब वो APK फाइल कैसे इंस्टॉल करेंगे मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए क्या करिए, सबसे पहले आप ब्राउज़र पर जाइए और यहाँ पर आप सर्च करिए apkmirror.com। ये apkmirror.com है जहाँ पे आपको कई गेम्स की दूसरी भी फाइल मिल जाएंगी। ये मेरी साइट खुल चुकी है और यहाँ पे जाके ये सर्च का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे सर्च के ऑप्शन में क्लिक करिए और यहाँ पे सर्च करिए पोकेमॉन। ध्यान रखिए नाम जो है वो सही नाम डालिए। देखिए फर्स्ट लिंक ये जो आ रहा है आपका, ये पोकेमॉन गो का APK फाइल का लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक करिए। ध्यान रखिए ये जो गेम है ये जिस कंपनी ने बनाया है निनेंटिक, ये इस कंपनी का नाम यहाँ पे आ रहा है, तो ध्यान रखिए आप ओरिजिनल फाइल ही डाउनलोड कीजिए, आपके हो सकता है दूसरे लिंक भी खुले, इनको क्लोज कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे एक गेम खुल चुका है, यहाँ पे इस गेम के बारे में सारी चीज़ें दी गई हैं। इसकी फाइल कितनी बड़ी है, 58.06 MB इसका गेम है। अगर आपके फ़ोन में मेमोरी कम है या फिर बहुत भरी हुई है तो मैं यही कहूँगा कि इसको खाली कर दीजिए ताकि गेम स्मूथ रन करे। मिनिमम एंड्रॉयड 4.4 किटकैट आपके फ़ोन में होना चाहिए, यानी इससे नीचे के OS में ये गेम नहीं चलेगा, और मार्शमेलो अगर आप इसमें तब भी ये गेम स्मूथली चलेगा। बाकी इसमें बाकी चीज़ें दी गई हैं इस गेम के बारे में। सो अब इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप नीचे की ओर जाएं, यहाँ पे आपके इसमें ऑप्शन मिला है डाउनलोड APK फाइल, डाउनलोड APK फाइल पे क्लिक कीजिए। योर डाउनलोड इज स्टार्टिंग, थैंक यू डाउनलोडिंग पोकेमॉन। मेरा डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे ये डाउनलोडिंग के लिए ऑप्शन पूछ रहा है कहाँ पे आप ओपन करना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पे क्रोम सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपके उसमें एक मैसेज भी दिखेगा क्योंकि फ़ोन में सिक्योरिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से जो गूगल प्ले स्टोर के अलावा अगर बाहर से आप कोई फाइल डाउनलोड करते हैं किसी एप्लीकेशन की तो सिक्योरिटी एक तरीके से ब्रेक करता है। हालांकि इस फाइल को डाउनलोड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आगे से अगर आप कोई भी दूसरी फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो ध्यान रखें वो जेन्यून फाइल हो, और क्योंकि इसी तरीके से वायरस भी आपके फ़ोन में आ सकता है। तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ, मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए डाउनलोड मेरा गेम जो है डाउनलोड हो रहा है। मेरे फ़ोन में डाउनलोड हो चुका है, इसकी जो APK फाइल है डाउनलोड हो चुकी है, अब मुझे इसको इंस्टॉल करना होगा। सो यहाँ पे जाते ही देखिए इंस्टॉलेशन जो है यहाँ ब्लॉक है मेरे फ़ोन में, इसके लिए ऑटोमेटिक सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे मुझे अलाउ करना होगा
जो थर्ड पार्टी ऐप्स हैं वो इंस्टॉल करने के लिए। अननोन सोर्स यानी गूगल पे, मैंने जैसा कि आपको बताया था गूगल प्ले स्टोर के अलावा अगर बाहर से आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो एक तरीके से वो सिक्योरिटी हटानी पड़ती है आपको फ़ोन में। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, मैं यहाँ पे इसको ऑन कर देता हूँ कि कोई भी दूसरी ऐप जो है वो इंस्टॉल कर सकूँ। ये मैंने ऑन करने के बाद आप बैक जाइए, ये देखिए यहाँ पे मेरी फाइल एक्सप्लोरर में यहाँ पे मेरी फाइल दिख रही है APK की। इस पर क्लिक करते ही ये ऑप्शन पूछेगा इंस्टॉल करने का, ये मैंने इंस्टॉल का ऑप्शन कर दिया। अब ये गेम मेरे फ़ोन में इंस्टॉल हो रहा है, पहले फाइल डाउनलोड हुई थी अब ये गेम इंस्टॉल हो रहा है। सो गेम मेरे उसमें इंस्टॉल हो चुका है, देखिए ऐप इंस्टॉल्ड डन और यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप डन में करते हैं तो आप अपने फ़ोन की स्क्रीन में जाके भी इसे ओपन कर सकते हैं, मैं यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ इसको। सो बता देता हूँ, इस गेम को खेलने के लिए आपको अपना GPS लोकेशन ऑन रखना होगा क्योंकि उसी बेस पे ये गेम चलता है। सो यहाँ पे ये मेरा ऑफ है यहाँ पे लोकेशन, तो इसलिए ये ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं अलाउ कर देता हूँ। इसके बाद अलाउ पोकेमन गो टू एक्सेस फोटोज़, ये आपकी फ़ोटोज़ और मीडिया को भी एक्सेस करेगा तो इसके लिए मुझे परमिशन देनी होगी, इसको मैं दे देता हूँ। और साथ में मेरे कॉन्टैक्ट का भी एक्सेस ही मांग रहा है तो उसको ही मुझे एक्सेस अलाउ करना होगा। इसके अलावा मेरा कैमरे का भी एक्सेस मांग रहा है क्योंकि कैमरे ऑन होने के बाद ही इस गेम को आप खेल सकते हैं। सो ये मेरा गेम स्टार्ट हो रहा है अब, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कंपनी का लोगो आ रहा है जो डेवलपर्स जिस कंपनी ने इसे बनाया है। सो गेम ऑन होने के बाद देखिए यहाँ पूछ रहा है प्लीज़ इंटर योर डेट ऑफ बर्थ। सो यहाँ पे मुझे डालना होगा जनवरी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डालिए यहाँ पे 2016 की जगह। इसके लिए आपको गूगल साइन इन करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, इसमें गूगल का जैसे ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आपके पास गूगल अकाउंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्लिक करके आप साइन इन कर सकते हैं। अगर नहीं है आपके पास गूगल अकाउंट तो गूगल अकाउंट क्रिएट करके फिर साइन इन करिए। यहाँ पे जैसे इसमें पहले से लॉगिन है गूगल अकाउंट इस फ़ोन में, तो मैं यहाँ पर्सनल अकाउंट से अपना एक्सेस को देता हूँ। यहाँ पे बार बार मेरा ये आ रहा है GPS सिग्नल नॉट फाउंड बिकॉज मैं अभी अंदर हूँ, बाहर जाते ही GPS सिग्नल आ जाएंगे। ये टर्म्स एंड कंडीशन है इसके कुछ। सो ये मेरा गेम स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें आप अपना कैरेक्टर चूज कर सकते हैं, यानी स्टाइल इसमें ऊपर लिख के आ रहा है, आप जो भी चूज करना चाहते हैं। सो यहाँ पे ये मैंने चूज किया। इसके बाद आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, आपको कैसा आईज के कलर और कैसी स्टाइल चाहिए, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं इसे। तो ये सब सेट करने के बाद नेक्स्ट बटन क्लिक करते हैं, और मैंने ये सारी सेटिंग कर ली है। अभी सेटिंग करने के बाद मेरा गेम स्टार्ट हो चुका है। सो देख रहे हैं अब इसके लिए मुझे बाहर जाना होगा, बाहर जाके ही मैं इसको इस गेम को खेल सकता हूँ, इस तरीके देख रहे हैं। सो कैच अ पोकेमॉन, तो चलिए चलते हैं बाहर और देखते हैं इस गेम को कैसे खेलते हैं। तो इस तरीके से पोकेमॉन गो आप इंडिया में भी खेल सकते हैं, बस इसके लिए जरूरी है आप अपने फोन में सिक्योरिटी का थोड़ा ध्यान रखिए। मैं राहुल सान हिंदी GizBot में लेके आऊंगा फिर से कुछ नए वीडियो, जब तक हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए hindigizbot.com।